तो यहाँ पे सभी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए, आज जो है दोपहर में 2 बजे से आपका हिंदी का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा 11वीं हिंदी का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, जो कि आपका जो है दोपहर में 2 बजे से होने वाला है। देखिए बच्चों, आप सभी जो है हो सकता है एग्जाम टाइम के पहले पहुंच जाएं या थोड़ा लेट पहुंचे, तो समय बहुत कम है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, मतलब 2 से 2.5 घंटे का समय है। ऐसे में आपको जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर पढ़ना होगा, तब जाके 80 में से 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब आप एग्जाम हॉल में पहुँचें तो पहुँचने के पहले ही आपको ये वीडियो देखे, या फिर आपके पास बहुत कम समय रहे, ऐसी कंडीशन में देखिए इसका फुल सॉल्यूशन और इसका पीडीएफ, पेपर का पीडीएफ, दोनों पीडीएफ जो है मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। कैसे करना है डाउनलोड करने के लिए, देखिए आपको जो है गूगल ओपन करके देखिएगा, ध्यान से देखना है। स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? स्टडी नोट्स पीजे, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, STUDYNOTES PJ, ठीक है? studynotespj.com देखिएगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ से ढूंढना है एमपी बोर्ड। तो देखिएगा एमपी बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं त्रैमासिक वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे हिंदी का। तो यहाँ से देखिएगा आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब विद्यार्थियों, इसका फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो ये जो पोस्टर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पोस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप जो है फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों चलिए, अब हम जो है इसका फुल सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और पीडीएफ मैंने बता ही दिया है। तो आपको जिस तरीके से पीडीएफ चाहिए, आप उस तरीके से जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना गया है? भारतेंदु युग को। तो पहले का 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का जो है देखिएगा, चन्नमल्लिकार्जुन का अर्थ पूछा गया है, तो शिव होता है। भारतेंदु काल के नाटककार कौन है? तो देखिएगा शंभुनाथ सेन है, ठीक है? शंभुनाथ सेन आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट आपका शास्त्रीय कलाओं का मूलधार है तो लोक कला है, ठीक है? तो इसमें आप लोक कला में आंसर सही लगा लेंगे। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट आपका पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ है। इसके बाद है सापेक्षण का गुण नहीं है तो विस्तार नहीं है। इसके बाद देखिएगा, कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। कबीर जो है देखिएगा, पास का पूरा नाम पूछा गया है, तो अवतार से शंभुनाथ पास है। मैं हूँ तो यहाँ पे लावारिस हूँ, ठीक है? इसमें लावारिस बनना है। मध्य प्रदेश में जो है भीम बेटिका की गुफाएं हैं, ठीक है? इंटरनेट जन संचार का लोकप्रिय सबसे नया साधन और माध्यम है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। रवि पूर्व से निकलता है का सही अर्थ हो जाएगा, रवि पूर्व से निकलता है, ठीक है? रवि में छुट्टी की लगी थी, यहाँ पे जो है बड़ी की लगी थी, छुट्टी की आपको लगा देनी है। सही जोड़ियों का मिलान करना है। मुल्तमई जो है आश्वासन से मिला देंगे आप। इसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है, आ बैठे उन्हीं के, तो इसका जो मिलान है आप करेंगे यहाँ पे ठिए पर से मिलान कर देंगे, ठीक है? इसके बाद देखिए तीसरा दिया गया है, खड़ेरों की दाई, तो खड़ेरों की दाई जो है इसका मिलान आपको करना है 120 कुइया से, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका दिया गया है UAI, तो UAI जो है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा खंड काव्य, तो खंड काव्य जो है आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ से देखिएगा पंचवटी। और लास्ट जो आपका दिया गया है शब्द युग्म, तो इसका मिलान जो है आप करेंगे यहाँ से देखिएगा 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं, तो यहाँ से देखिए इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी सस्सई किस काल की रचना है? तो रीतिकालीन रचना है। इसके बाद है आपका माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो पालर पानी कहते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? तो देवर सिंह नारद को माना गया है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो मूर्ति रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। युग्म का अर्थ जो है जोड़ा होता है। सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो देखिए पुरोहित बंसीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, सत्य हो जाएगा। इसके बाद बादलों के घेरे कृष्णा सोबुद्धि की कहानी है, सत्य हो जाएगा। तातोस ने बेबी को पढ़ने के लिए जो है अधिधान की पुस्तक दी, तो ये असत्य हो जाएगा। फ्लैशबैक तकनीक जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, सत्य हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार लाने के लिए उत्पन्न किया जाता है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद आप जो है छठवां प्रश्न देख ले, भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां, प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है,
इसके बाद देखिए कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं चार विशेषताएं नाटक की कंकी में दो अंतर। लेखिका मीनी रिसुद्दीन के पास क्यों गई थी। धरना मोहन को अपनी प्रसिद्धि क्यों दिखाता है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताना है। खून खून की घूंट और पहाड़ टूटना। लता के गायन की विशेषताएं आपको बतानी है अथवा देख लें आप। ठीक है, बीवी की जिंदगी में था तो उसका परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता। शब्द गुण के प्रकारों को बताना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके बताना है। तो यहाँ से देखिए ये दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों को शुद्ध करके बताना था। अथवा में कोई दो तकनीकी शब्द लिखने थे। मीरा ने सहज मिले अनिवासी को क्या कहा है। ठीक है, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है, नोट कर लें ताकि जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो इसका पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाना है अभी मैं फिर से बताऊंगा आपको फ़ोन में डाउनलोड करके। ठीक है, ताकि आप लोग जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है सभी 23 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है आज जो है 19 तारीख को हिंदी का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ फिर से कैसे हमें डाउनलोड करना है। फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे लिखना है study notes pj.com। देखिएगा इस पर क्लिक करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको देखिएगा एमपी बोर्ड में देखिए क्लास 11 हिंदी वार्षिक त्रमासिक वायरल पेपर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।